लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर मैं उपस्थित हूँ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग के बधाई संदेश के साथ। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग के शुभकामना संदेश को पढ़ते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद की ये पहली राम नवमी है और भगवान राम से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी की, हमारे भारतवर्ष की तथा संपूर्ण मानवता की रक्षा करें। डॉक्टर गर्ग ने राम नवमी की पूर्व संध्या पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को दोहराते हुए कहा कि तूफान बनकर आई कोरोना की दूसरी लहर को हम हौसले और तैयारियों से जीतेंगे। वतन में मुश्किलों का तूफान मेरे राम फिर से पुकारता है हिंदुस्तान मेरे राम। डॉक्टर गर्ग ने मेट्स परिवार से अनुरोध किया है कि वो कोविड अनुशासन का पालन करवाने में समाज की मदद करें। सभी युवाओं को इस पुनीत कार्य में आगे आना चाहिए ताकि न लॉकडाउन की जरूरत पड़े, न कर्फ्यू की और न ही कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पड़े। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिन है। इस दिन हम संकल्प लें कि कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। राम नवमी की पुनः आप सभी को अनेक अनेक बधाई। गंध बन जो फूल को महका रहा वो राम है, पंछियों के कंठ से जो गा रहा वो राम है, हर किसी की आंख से जो दिप रहा वो राम है, हर किसी की आंख से जो छिप रहा वो राम है, तारकों में झिलमिलाता जो सदा वो राम है, बादलों से सिंधु तक जो बह रहा वो राम है, मौन रहकर जो सभी कुछ कह रहा वो राम है, जो हमारी सांस में आ जा रहा वो राम है, जो धरा से व्योम तक है रम रहा वो राम है। राम नवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर गर्ग ने इस पावन पर्व पर सभी से आह्वान किया है कि सब राम के उदात्त चरित्र से शिक्षा लें, रामचरितमानस में अवगाहन करें, चिंतन मनन करें और मर्यादित जीवन जिएं। धन्यवाद।